इस सिंगल वीडियो में मैं आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा कि रिजल्ट्स अब तक क्यों नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स कब तक आएंगे, एनटीए क्या गलती कर रही है। हर एक क्वेश्चन का मैं आपके, हर एक क्वेरी का मैं आपके जवाब जरूर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यार रिजल्ट्स आ क्यों नहीं रहे, ठीक है ना, क्योंकि बिल्कुल हद मचा के रख दिए भाई। तो देखो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, सबसे पहली बात क्या है यार, पेंडेमिक चल रहा है, सबसे पहली बात पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है। पेंडेमिक में अब तक रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। अब पेंडेमिक का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है वो जरा मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए होता क्या है एक्चुअली में जब नॉर्मल कॉपियाँ जाँच होती हैं तो नॉर्मल कॉपियाँ जाँच होने में क्या होता है ना कि एक साथ एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। एक लिमिटेशन होगी कि देखो आज के दिन में 50,000 कॉपी जाँच हो जाएगा या फिर 40,000 कॉपी जाँच हो जाएगा, 30,000 कॉपी जाँच हो जाएगा, ऐसे एक लिमिटेशन बनती है, ठीक है। बट इस टाइम क्या है ना, इस टाइम वो लिमिटेशन हो सकता है कि ऊपर नीचे हो गई हो, ठीक है ना। वो अनुमान लगाए हैं वो लोग 50,000 कॉपी का, ठीक है, और वो कॉपी 30,000 पर डे चेक हुई हो, ठीक है। तो ये होता है लिमिटेशन में गड़बड़ी कारण सबसे पहली बात, कि इसलिए जो है आपका रिजल्ट थोड़ा सा देर हो रहा है, ये हो सकता है सबसे पहला कारण, ठीक है। अब दूसरे बात करते हैं कि भाई एनटीए गलती क्या कर रही है। यार देखिए सबसे पहली बात कि एनटीए ने हद मचा कर रख दिया। ये एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है, रिजल्ट्स आएगा तो यहीं पे आएगा। अभी मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अभी मैं दिखाऊंगा एनटीए कहां कहां गलती कर रही है। देखिए सबसे पहली बात एनटीए स्टूडेंट्स के एक्साइटमेंट लेवल के साथ खिलवाड़ कर रही है, बिल्कुल, ठीक है। यार अगर आप लोगों ने 28 फरवरी बोला है, ठीक है, तो 28 फरवरी को रिजल्ट लाओ ना। चलो भाई गलती हो गया, हो सकता है आप लोग 28 फरवरी को नहीं ला पाए, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मान लो कि, तो आप प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करो, ठीक है। आपने 28 फरवरी दिखा रखा है कि 28 फरवरी को रिजल्ट आने वाले हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी उन लोगों ने कहां दिखा रखा है, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है। देखिए आपने दिखा रखा है कि 28 फरवरी को आप रिजल्ट ला रहे हो, फिर भी यार अब तक आप रिजल्ट लाए ही नहीं, क्यों यार, प्रॉब्लम क्या है आपकी, ठीक है। चलो भाई रिजल्ट अगर नहीं आया तो आप उसको रिन्यू करो ना, आप वहाँ पे 28 फरवरी की जगह 10 मार्च, 15 मार्च, 20 मार्च, 5 मार्च, जो आपका हो वो आप लिख दो अपने अकॉर्डिंग, बट आप वो कर नहीं रहे हो। आप पता नहीं क्या कर रहे हो यार, आप लोग का अलग ही सिस्टम चल रहा है इस टाइम, ठीक है। तो ये हो गई भाई एनटीए की सबसे बड़ी गलती, ठीक है, क्योंकि यार एनटीए से हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। एनटीए बहुत एक छोटी मतलब पेपर कंडक्टिंग बोर्ड नहीं है, ये आईआईटी का पेपर कराती है, जेई का पेपर कराती है, केवीपीवाई का पेपर कराती है, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का पेपर करवा रही है, यानी कि इतनी बड़ी बड़ी पेपर से करवा रहे हैं और फिर भी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स कर रहे हैं। यहाँ पे 28 फरवरी डेट दे दी है, उसको रिन्यू कर नहीं रहे, आप रिन्यू तो कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं भाई रिजल्ट्स आएंगे कब तक, ये बहुत बड़ा मैटर है यार। डेली कमेंट आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने स्टार्टिंग में भी 28 फरवरी को भी मैंने 6:30 बजे के अप्रॉक्सीमेट वीडियो अपलोड कर दी थी, ठीक है, कि रिजल्ट्स कब तक आ रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको बताया था, बहुत लोग बोल रहे थे 1 मार्च, बहुत लोग 2 मार्च, बहुत लोग 3 मार्च, आज तक रिजल्ट नहीं आया। अब देखो भाई रिजल्ट्स आएंगे तो वो 10 मार्च तक ही आएंगे, 10 से 15 मार्च तक। उसका रीज़न क्या है, अगर देखो भाई जब पेपर जाँच होते रहता है ना, जब आपकी कॉपियाँ जाँच होती हैं तो एनटीए को खुद अनुमान लग जाता है कि ये कॉपी कब तक जाँच होगी। अगर वो अनुमान 3 मार्च या 2 मार्च रहता, यानी कि 2 या 3 दिन लेट, बात समझिएगा, 28 फरवरी को रिजल्ट आने वाला था, महीना 28 का ही था, ठीक है। तो उसके बाद 2 या 3 को अगर अनुमान हो जाता कि भाई 2 या 3 मार्च को रिजल्ट हम ला देंगे, ठीक है, तो उस कंडीशन में एनटीए जोर लगाती और जल्दी जल्दी कॉपी चेक करके 28 फेब को ही ला देती, क्योंकि भाई जैसे दो या तीन दिन का लेट कोई क्यों करता, वो 28 को ही रिजल्ट क्या करती, लॉन्च कर देती, ठीक है, और जल्दी जल्दी कॉपी चेक करती। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या है, यहाँ पर सिस्टम ये है कि लगभग चांसेस यही है कि 10 से 15 फरवरी तक रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कुछ बता रहे हैं, कोई थंबनेल पर ये लगा लिया है कि भाई रिजल्ट्स आ गया देखो मोबाइल से निकालो, कोई कुछ बता रहा है कि अभी डाउनलोड करो लाइव प्रूफ देख लो, तो ये सब फेक है, ठीक है। कोई भी आपके एक्साइटमेंट लेवल के साथ अगर खिलवाड़ कर रहा है देन दैट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। मैंने जो जो अपने थंबनेल पे लगाया है मैं सिर्फ वही वीडियो में बताऊंगा। 10 मार्च थंबनेल पर लगा है, 10 मार्च से 15 मार्च मैं बता भी रहा हूँ कि 10 मार्च से 15 मार्च तक आएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लगातार सर्च कर रहे होंगे, ठीक है। अभी इसके एक्टिव यूजर मैं दिखाऊंगा तो लगभग 30,000 से अधिक अभी इस टाइम देख रहे होंगे इस वेबसाइट को, ठीक है, इस वेबसाइट पर सर्च कर रहे होंगे, यानी कि लगातार सब कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है। मैं भी सर्च कर रहा हूँ, रिजल्ट आया तो मैं वीडियो बना दूँ, आप बिलीव नहीं करोगे मैं आधी वीडियो बना कर रखा हूँ जिसमें मैं बोल चुका हूँ कि रिजल्ट आ गया है, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मतलब उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो सब कोई बिल्कुल इसके पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो एनटीए यहाँ तक एनटीए क्या कर रही है, मिस्टेक कर रही है।
तो मैं क्या कहूँगा, मैं तो यही कहूँगा कि NTA जो मिस्टेक कर रही है उसको अपनी मिस्टेक सुधारनी चाहिए सबसे पहली बात। और दूसरी बात ये कि आप वैसे ही घर पे बैठे हैं, ठीक है, आप रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो अलग चीज़ हो गया रिजल्ट का वेट, ठीक है। आप CHS RMS और भी कुछ एग्जामिनेशन है जिनकी प्रिपरेशन कीजिए, क्या पता आपका सैनिक स्कूल भी निकल जाए और वो भी निकल जाए, तो आपके पास दो दो ऑप्शन रहेंगे, आप बेटर ऑप्शन चूज करके वहाँ जा सकते हो, ठीक है। आप एक ही के भरोसे मत रुकिए, ठीक है ना, आप प्रिपरेशन कीजिए, उस पर भी हम वीडियो लाएंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक पर वीडियो ला दिए हमने। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आपको कोई भी अपना पर्सनल डाउट है तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाइए, वहाँ से जाकर के आप मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का आंसर जरूर करने वाला हूँ, ठीक है। तो होप करता हूँ गाइस वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए मुझे भी मतलब एक्यूरेट डिटेल नहीं मिल पाती है, ठीक है ना, अगर ये चीज़ नवोदय की होती, रियलिटी क्या है, चूँकि मैं नवोदय का स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, तो अगर ये चीज़ें नवोदय विद्यालय में हो रही होती तो नवोदय विद्यालय में क्या होता कि मेरे भी कुछ टीचर्स हैं, ठीक है, मेरी प्रिंसिपल मैम है, मेरे वाइस प्रिंसिपल सर हैं, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करता, ठीक है। अब मान लीजिए उनका संपर्क तो थोड़ा ऊपर होगा ही भाई, उनका संपर्क तो भाई समिति में कुछ ACDC से होगा ही, ठीक है, मैं उनसे पूछता, वो अपने ACDC से पूछते हैं, तो नवोदय में अगर ये चीज़ें होती तो मुझे मतलब एक्यूरेट तो नहीं बट फिर भी पता चल जाता कि कब तक आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशन तो जरूर पता चलता है। पर चूंकि ये सैनिक स्कूल में है, आप लोग को जितना पता चल रहा है मुझे भी उतना ही पता चल रहा है, ठीक है, देन दैट इज़ रियलिटी। तो वेट कीजिए, वेट के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मैंने होप करता हूँ पूरी डिटेल आपको अच्छे से समझा दी कि हो क्या रहा है, क्या चल रहा है, तो फिर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।